हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सरे काल, केम छो। मैं वी के सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, आज की तारीख क्या है? आज है 2 फरवरी 2021, 2 फरवरी 2021, ठीक है। दिन है आपका मंगलवार। तो लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरू काम। तो बेटा, जो हमने कल टॉपिक किया था भाषा से संबंधित, आपको मैंने भाषा की उत्पत्ति और क्रमिक विकास बताए थे और हमने करे थे भाषा के परिवार, ठीक है। आई होप वो आपने वीडियो देख ली होगी और उसके संबंधित क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं जब मैं देखता हूँ आपकी वीडियो, ठीक है। तो उसी को क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए भाषा से संबंधित और भी प्रश्न जो आते हैं, जो कैटेगरी है भाषा में ही, ठीक है ना, थोड़ी बड़ी है ये, इसको इसलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करते रहेंगे। तो उसी के ही कुछ प्रश्न और उससे आगे आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उससे पहले मेरा अनुरोध है कि जिस बच्चे के पास ये नंबर नहीं है, ये जो नंबर है ये अंकित सर का नंबर है, और अंकित सर का नंबर है ये, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि वो आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर सकें। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चों को व्हाट्सएप से कनेक्ट रखें ताकि उनको जो यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन है वो उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल सके, क्योंकि यूट्यूब जो है वो सभी को जो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं भेजता, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं और ताकि आपको समय से आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम लिंक का भी आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप वहां जाके जो चैनल का टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए तो बेटा, प्रैक्टिस आई होप आप सभी के लोग कर रहे होंगे। आई होप ये आप अपना जो हमारा मोटो था इसको आप नहीं भूले होंगे, ठीक है। क्या था हमारा मोटो बताएंगे? कोई मेहनत करनी है और संघर्ष करना है, तभी हमको क्या प्राप्त होगी? सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ लेकर हम अपना पहला प्रश्न आपके सामने, ये रहा। 1826 में दूसरा, इसको 1826 रहने दीजिए क्योंकि डेट थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने लिख दिया इसको, ठीक है ना। आप ये समझिए कि दूसरा हिंदी पत्रिका जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है ना, वो कोलकाता से प्रकाशित हुई थी, उसका नाम क्या है? जी बताइए। दूसरी हिंदी पत्रिका, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, क्या नाम है इसका जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुई थी? जी देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े से, बंगाल गजट भी दे रहे हैं, उद्धरण मार्तंड भी दे रहे हैं और ए और बी भी दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिए करेंगे कि अब देखेंगे, जो बंगाल गजट था वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है, वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और जो उद्धरण मार्तंड है वो आपका पहला पहला हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है। और अब क्या बचा आपका? बंगदूत। जो ये बंगदूत है ये आपका दूसरा समाचार पत्र बोल सकते हैं या इसको साप्ताहिक पत्रिका बोल सकते हैं, इसको कई नाम से जाना गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये हिंदी वाला था, ये हिंदी की मैगजीन थी, और ये हिंदी के साथ साथ में इसको लिखा जा इसको मतलब छापा जाता था बंगाली में, ठीक है ना, और हिंदी तो था ही और उर्दू में, ठीक है। तो इसको हो गया ना, आपको हिंदी भी हो गया, बंगाली भी हो गया और उर्दू भी हो गया, ठीक है ना। और जो आपका बंगाल गजट है वो आपका एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। साल मैंने इसलिए कर किया क्योंकि साल में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 2। हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रित रूप है? हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रित रूप है बताइए? हिंदी, उर्दू, हिंदी फारसी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी क्षेत्रीय भाषा, जी बताएं।
अब देखिए यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ये जो हिंदुस्तानी भाषा है इसको आप ऐसे समझिए कि जो आपके जो भाषा परिवार थे जो हमने बताए थे आपको, ठीक है ना, उसमें जो आपका जो आपका इंडो, जो आपका मैंने पहले आपको बताया था ना, एक इंडो आर्यन, ठीक है ना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं यूरोपीय, भारो भारो भारोपीय, भारत और यूरोपीय, तो उसको हिंद यूरोपीय भी बोल सकते हैं, और उसकी एक शाखा है जिसको बोलते हैं हिंदी या हिंदू या हिंद ईरानी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा परिवार के अंतर्गत जो भारतीय परिवार है, ठीक है, इंडो आर्यन, उसकी एक शाखा है, उसको बोलते हैं हिंद ईरानी। अब देखेंगे जब वो जो ईरानी है, अब आ गया ईरानी पे, यहां तक समझ में आ गया। अब जो हिंद ईरानी में है, ईरानी में कौन सी भाषा चलती है, फारसी, क्लियर। तो इसीलिए देखिए आंसर बताने के लिए मुझे इतना लंबा चौड़ा आपको डिस्क्रिप्शन देने पड़ा, तो इसीलिए ये जो फारसी है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आई होप ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, नहीं आओगे तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा राज्य है राजभाषा हिंदी घोषित राज्य नहीं है? अच्छा, जो राजभाषा हिंदी है ना, राजभाषा हिंदी घोषित राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। आसान सा है, आपको ऑप्शन से भी समझ में आ रहा होगा इसका सही उत्तर क्या है, तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, जीके के माध्यम से इसको आप कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, पढ़िए जरा ध्यान से, कि 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तमिल, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु? तो इसका सही उत्तर क्या है, 2004 में जो शास्त्रीय भाषा, जो क्लासिकल भाषा है हमारी, ठीक है ना, क्लासिकल लैंग्वेज है, उसको दर्जा प्राप्त किया गया, वो कौन सी भाषा है वो हमारी, वो सिंपल सी है, 2004 याद रखना, तमिल, ठीक है, तमिल, तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 5। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो अपभ्रंश है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपकी पुस्तक में जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे कि अपभ्रंश में जो है ना, ये अर्धमागधी में क्या कौन कौन सी हैं, पेशाची में कौन कौन सी हैं, और शौरसैनी में कौन सी है, मागधी में कौन सी है, ये आपको अपभ्रंश के जो विविध रूप हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी चलिए आपको मैं पहले आंसर बताता हूँ, फिर मैं अगर कहेंगे तो आपको बता देता हूँ कि जो ये मागधी है, ठीक है ना, जो मगध, मगध याद रखना, ठीक है ना, मागधी, तो ये देखिए क्या आ गया, बिहार, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये आती है हमारी मागधी, ठीक है। और अब बात करते हैं, मान लीजिए अर्धमागधी में, तो अर्धमागधी में हमारा आ गया पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ईस्टर्न जो हिंदी होती है, और आगे हमारी अवधी, और मुझे याद आ रहा है बघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भी आती है इसमें, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात, चलिए आगे। हाँ जी चलिए, और पैशाची, पैशाची याद रखना, पास से पैशाची और पास से पंजाबी, है ना, ठीक है, तो ये भी अपभ्रंश रूप है, ठीक है, याद रखना, अपभ्रंश रूप पंजाबी का क्या है, पैशाची, और जो शौर सैनी है, ठीक है ना, अब याद रखना जो सैनी या सेना शब्द याद रखना, ठीक है ना, या शौर, शौर्य भी याद रख सकते हैं, तो ये कहाँ से संबंध रख सकते हैं, वेस्टर्न जो आपका इलाका है, ठीक है ना, वेस्टर्न इलाके में जो मुख्य मुख्य आ गए वो आ गया आपका राजस्थान, आपका गुजरात, ठीक है, समझ में आ गया, और ये आपकी जो पहाड़ी हिंदी जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, और आपका पश्चिमी, पश्चिमी जो हिंदी, जो पश्चिमी जो हिस्सा है, जो जहाँ पे पश्चिमी हिंदी क्षेत्र है वहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। चलिए
हो गए चारों, हो गए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छः, प्रश्न नंबर छः आसान सा है। मानक भाषा प्रयोग की जाती है, जो मानक भाषा है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो किनके द्वारा प्रयोग की जाती है? ए बी सी डी। जी, जो मानक भाषा का प्रयोग है वो अधिकांश शिक्षित लोगों द्वारा प्रयोग की जाते हैं। अब शिक्षित लोगों का मतलब ये नहीं कि जो लेखक है वो शिक्षित नहीं है या जो कवि है वो शिक्षित नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। ये जो लेखक और कवि हैं, ठीक है ना, इन इन दोनों की, चाहे वो लेखक हो, ठीक है, या कवि है, इन दोनों का जो ज़्यादा प्रभाव करता है वो जो क्षेत्रीय भाषा जो होती है, ठीक है ना, वो ज़्यादा प्रभावी होती है। क्योंकि कोई लेखक है तो वो उस क्षेत्र में से अगर कोई कंटेंट उठा के लिख रहे हैं तो वो उस क्षेत्र के जो देसी शब्द हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनके पढ़ने वाले जो क्षेत्रीय संबंधित लोग हैं उनको पढ़ेंगे तो वो आसानी से समझ सकते हैं। और यही कार्य होता है कभी कभी, कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो उनके जो सुनने वाले श्रोतागण हैं वो उनको समझ सके, ठीक है। पर जब मानक भाषा की बात करते हैं तो मानक भाषा सिर्फ जो होती है अधिकांश शिक्षित लोगों द्वारा ही प्रयोग की जाती है। जैसे जो आपकी जो कार्यकारी भाषा होती है, ठीक है ना, कार्यकारी जो भाषा होती है, ठीक है, तो वो जो हिंदी का इस्तेमाल होता है वो एक मानक भाषा के रूप में होता है, ठीक है। आपने जो बचपन में जब ये पढ़ा था विद्या, ठीक है, अब जो मानक इसका रूप है वो क्या है? ये वाला, क्योंकि इसका कोई स्थान नहीं है आपकी वर्णमाला में, इसीलिए इसको हटाकर इसको इस तरह से उल्लेखित किया गया है। क्लियर, समझ में आई बात? प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। जिसके खंड ना किए जा सके क्या कहलाती है? ध्वनि, लिपि, वर्ण या स्वर? बताइए। आसान है, ठीक है, ध्वनि बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फोनेम, ठीक। जो ध्वनि होती है वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, उसके खंड भी नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला आपको क, और मैंने बोला आपको ख और ग, अभी ये ध्वनि है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा। यदि इसके अंदर स्वर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? अ, इसमें हमने जोड़ दिया अ, आ, और इसमें हम जोड़ देते हैं ई। क्लियर, तो अब जब इनको जोड़ेंगे, ठीक, क्लियर, अगर मैथ्स के रूप में हम इसको लेके चल रहे हैं थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया हमारा? क, और सॉरी, ये बन गया आपका खा, और ये बन गया आपका घी। तो देखेंगे ध्वनि के अंदर क्या जुड़ा? स्वर जुड़ा। स्वर जुड़ने के बाद क्या बन गया? अक्षर बन गया, वर्ण बन गया। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इसीलिए सबसे जो छोटा होता है वो कौन है? ध्वनि होता है। आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, ठीक है। कल बताया था आपको मैंने, जो अपभ्रंश है उसको एक अन्य नाम या उसका जो बदलता रूप है, उत्तरकालीन मतलब जो आने बाद में आई, ठीक है, पूर्वकालीन, उत्तरकालीन, ठीक है, समझते हैं आप? उत्तरकालीन, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ना, उसी वाले शब्द को, पास्ट वाली, है ना। तो जो उसका अपडेटेड रूप था किसका? अपभ्रंश का। वो कौन सा है? पाली तो नहीं है, प्राकृत भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, वो था अवहट। ये मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था, आप भूल गए हैं शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप याद रखना, अपभ्रंश का जो उत्तरकालीन जो अवस्था है वो क्या है? अवहट है, ठीक है, आपको वो क्रम आई होप याद होगा, ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट, उसके बाद आधुनिक हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है? देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। जी बताइए, कौन सा ऐसा देश है जहां की जो राजभाषा है, ठीक, वो अंग्रेजी है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। जी, वन एंड ऑल, कौन सा है? वो है नागालैंड, ठीक।
लैंड ऑफ नागाज, है ठीक है, क्लियर है नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है बताएंगे कमेंट करके, याद होनी चाहिए। बट अक्सर जो जब भी राजधानी आती है तो अक्सर वो कंफ्यूज होते हैं साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो इसीलिए थोड़ा सा इन सब की पहले वो राजधानी आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं, आखिरी प्रश्न। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? बहुत आसान है, जो दक्षिण भारत में, मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न बताया था ठीक है ना, जो जिसमें शास्त्रीय भाषा जो थी वो हमारी तमिल थी, ठीक है, और तमिल जो है वही सबसे ज्यादा प्राचीन, जो अन्य भाषा उसके मुकाबले अगर बात करें तो जो तमिल है वो सबसे ही पुरानी भाषाओं में जानी जाती है, ठीक है। हिंदी का भी कोई रूप नहीं है, ठीक है ना, उससे बहुत पुरानी है तमिल, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड, जो भी चैप्टर था हमारा लास्ट वाला, आई होप आपको समझ में आया होंगे। और एक प्रश्न के साथ साथ में जो हमने अन्य जो प्रश्न जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको एक प्रश्न के साथ में कम से कम दो या तीन प्रश्न भी और क्लियर हो जाएं, ठीक है। बट आपको बस क्या करनी है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, आप अच्छे से अपना जो मार्किंग है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको वीडियो इस तरह से मिलती रहेंगी। जो आपका टाइम टेबल स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, कब कौन सी वीडियो आनी है वो आपने देख भी लिया होगा मंडे वाली क्लासेस में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।